हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। दिस इज धर्मेंद्र मोजीद्रा। आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मेरे जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है उसका मैं इंट्रो कराता हूं। ये जो सामने देख रहे हैं उनका उसका नाम है शिवांश रौनक भाई भट्ट, और अंडर 11 में बहुत सारे टूर्नामेंट खेल चुके हैं। अंडर 7 से खेलते आ रहे हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में ट्रॉफियाँ जीते हैं, मतलब टॉपर में आए हैं, और चैम्पियनशिप भी हासिल की है। और चेस में इतनी कम एज में ये काफ़ी कुछ जानते हैं। ओपनिंग और पजल के बारे में तो आप पूछिए ही नहीं, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे हाईएस्ट इसके पजल्स होते हैं। पजल रेसिंग में वर्ल्ड लेवल में भी इनका रैंक आया था। तो आज उनके साथ मिलकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज हम देखेंगे क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिए हैं, आज ये चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो। आज हम देखेंगे क्लासिकल वेरिएशन व्हाइट सेवंथ मूव अल्टरनेटिव। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में क्लासिकल क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। पहले जो 6 मूव है वो है क्लासिकल। 6 मूव क्या है? व्हाइट खेलता है d4, ब्लैक रिप्लाई देता है d5। अब मैं इसे फ्लिप करूंगा ताकि हमारी साइड रह जाए। व्हाइट खेलता है c4 क्वींस गैम्बिट। यहां पे हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो हम सेमी स्लेव डिफेंस या स्लेव डिफेंस वगैरह खेल सकते हैं, या 10 स्टोन वॉल भी खेल सकते हैं। पॉन टेक्स पॉन, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। उसके बाद व्हाइट खेलता है नाइट f3। यहां पे ब्लैक का रिप्लाई ऑलवेज होता है नाइट f6। मैंने लास्ट वीडियो में ये मूव सारे बताए थे, 6 मूव। यहाँ पे e3 के बाद ब्लैक खेलता है e6, देन बिशप टेक c4, और यहाँ पे मैंने बताया था आपको c5। इतने मूव तो हमारे इससे पहले वीडियो में भी आ गए हैं। उसके बाद क्लासिकल में व्हाइट ऑलवेज कैसल करता है और ब्लैक रिप्लाई देता है a6। तो यहां से शुरू होते हैं अलग अलग वेरिएशन, जैसे कि nbd2। एक तो ये देखेंगे हम, दूसरा देखेंगे नाइट c3, थर्ड देखेंगे व्हाइट की चॉइस है a3। उसके बाद देखेंगे अगर व्हाइट b3 करता है तो क्या करते हैं। तो ये सारे मूव सेवंथ मूव में है, कई बार सेक्रीफाइस करते हैं सेंटर में पॉन e4। उसके बाद कई बार बिशप रिटर्न लेते हैं बिशप d3 और एक d into c5। इतने वेरिएशन है, इतने मेन है। तो सबसे पहले आप बुक में नोट डाउन की लिए कि सेवंथ मूव अल्टरनेटिव। अब देखो यहां से मैं a6 के बाद व्हाइट के अल्टरनेटिव आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट bd2 सेवंथ मूव में, नाइट bd2। चलो नाइट bd2 के बाद c×d4 आपको करना है। नाइट d4 व्हाइट रिप्लाई देगा, उसके बाद बिशप d6, n4 f3 जरूरी है। उसके बाद हम करेंगे कैसल। ये सारे बुक मूव है, अगर इसके अलावा कुछ खेलते हैं वाइट तो हमें उस टाइम पे ध्यान रखना है कि क्या करेंगे, उसका एडवांटेज लेना है। b3 और यहाँ आएगा b5। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है शिवांश, आप बताइए। यहाँ से आपका प्लानिंग बताइए, आप क्या कर सकते हो। मान लो कि बिशप रिटर्न ले लिया, बिशप e2 या बिशप d3 तो नहीं पॉसिबल, बिशप e2, चलो d3 तो ब्लंडर होगा। क्यों ब्लंडर होगा आप बता सकते हैं? बिशप d3 ब्लंडर है क्योंकि बिशप इनटू पॉन जा रहा है व्हाइट का। वेरी गुड। तो यहाँ पे बिशप के पास एक ही जगह e2। अब आप अपना ब्लैक से प्लानिंग बताइए, नेक्स्ट कुछ मूव्स बताइए, ताकि जो वीडियो ओपनिंग सीख रहे उनको भी पता चले कि इससे आगे प्लानिंग क्या करना है। सबसे पहले तो हमने b5 खेला है तो हम बिशप b7 डेवलप करें, करेक्ट। उसके बाद हम एक तो हम नाइट c6 और क्योंकि d8 डेवलप कर सकते हैं, और हम नाइट d7 करके रुक c8 करके हम ओपन फाइल का फायदा। वेरी गुड। तो ये हमारा प्लानिंग है। चलिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए जो शिवांश ने बताए उनके प्लानिंग। अब देखते हैं हम दूसरा वेरिएशन n2 f3 में e5 होगा
देखो मैंने यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, मैं जब हमने नाइट फोर एफ थ्री मैंने आपको बताया तो शिवांश जी एन टू एफ थ्री क्यों नहीं हो सकता है, उसमें क्या होने वाला है? मतलब इतना ब्लंडर तो नहीं है लेकिन व्हाइट ब्लैक की पोजीशन स्लाइट एडवांटेज होता है अगर नाइट टू वाला एफ थ्री पे आता है तो। अगर आपको कुछ मूव्स मिलता है बेस्ट, नाइट टू एफ थ्री करेगा तो हम क्वीन है और एक टेम्पो से अपना क्वीन बाहर भी निकाल सकते हैं सी फोर के बिशप को अटैक करते हुए। ओके ये नॉर्मल है, लेकिन एंजिन क्या बता रहा है यहाँ पे, ई फाइव बताएगा। तो ये बेसिकली ब्लैक की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक मूव नोट डाउन कर देना है, जो आपने यहाँ तक लिख लिए एट मूव बिशप डी सिक्स के बाद एन फोर एफ थ्री, तो नाइन्थ मूव आपका अगर एन टू वाइट खेलता है तो आपको यहाँ पे ई फोर करना है, ये ध्यान रहे। चलिए बी वाला वेरिएशन देखते हैं। बी वेरिएशन में थोड़ा सा पहले सिक्स मूव आपको कॉमन है, ए सिक्स के बाद यहाँ पे व्हाइट नाइट सी थ्री करता है। नाइट सी थ्री में भी देखो ए सिक्स आपको क्यों बताया मैंने, आपको कोई आइडिया होगा? सिवंस A6 करके B5 डेवलप करना। गुड, यहाँ पे तो ऑलवेज बी फाइव रहेगा ए सिक्स, इसीलिए कि हम टेम्पो के साथ अटैक के साथ बी फाइव करते हैं। अब व्हाइट का बेस्ट चॉइस है बिशप डी थ्री, यहाँ पे हम खेलेंगे बिशप बी सेवन और डी इंटू सी फाइव, व्हाइट रिप्लाई देगा। यहाँ पे बिशप टेक्स सी फाइव, सारे कॉमन मूव हैं क्वीनी टू। अब क्वीनी टू आइडिया क्या है कि रुक डी वन करके, जैसे हम स्मिथ मूरा गैम्बिट में खेलते हैं ना आर डी वन और एस ए, तो ये प्लानिंग होता है। यहाँ पे एन बी डी सेवन करना है, रुक डी वन से कोई फायदा उसे नहीं होगा। अब व्हाइट खेलेगा ई फोर सेंटर ओपन करने के लिए और यहाँ पे बेस्ट चॉइस है क्वीन बी एट। तो ये एंजिन के मूव्स है सारे और मैंने कम्प्लीटली बहुत सारे गेम्स ऐसे मूव करके खेले हैं। इस ओपनिंग में देखो इसमें भी इलेवेंथ मूव हो गए हैं। अब इससे आगे कुछ मूव्स जो है वो सिंपल मैं बताऊंगा। यहाँ पे कैसलिंग और आप ई फाइव भी कर सकते हो और बिशप डी सिक्स करके यहाँ पे प्रेशर भी दे सकते हो, नाइट जी फोर कर सकते हो, अलग अलग तरीके के प्लानिंग्स रहेंगे। चलिए अब देखते हैं सी वाला वेरिएशन। सी वेरिएशन में नाइट सी थ्री के बदले ए थ्री, व्हाइट खेलता है सेवंथ मूव ए थ्री। देखो ए बी सी डी, डी में सिर्फ चेंजिंग है इसके बाद के वेरिएशन में, बाकी मोस्टली यहाँ पे आपको मूव बी फाइव याद रखना है। तो यहाँ भी हमारा मूव आएगा बी फाइव, बिशप ए टू, ए थ्री का आइडिया है बिशप ए टू, वो इसी डायगोनल में बिशप रखना चाहता है। यहाँ हम रिप्लाई देंगे बिशप बी सेवन, व्हाइट खेलेगा नाइट सी थ्री, नाइट बी डी सेवन, उसके बाद व्हाइट रिप्लाई देगा डी फाइव। यहाँ पे आपको पॉन टेक्स पॉन कर देना है ई टेक्स डी फाइव, व्हाइट खेलेगा नाइट टेक्स डी फाइव और यहाँ सी फोर। अब देखो ये जो लाइट स्क्वेयर वाला बिशप है टोटल इस लाइन में बंद हो गया है। व्हाइट चाहे तो नाइट एक्सचेंज करे तो हम नाइट टेक्स नाइट कर सकते हैं, क्वीन टेक्स नाइट भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्वीन टेक्स नाइट बेटर रहेगा क्योंकि नाइट टेक्स नाइट दोनों चल सकता है इसमें। आपके हिसाब से सीवंस क्या अच्छा रहेगा अगर व्हाइट ने यहाँ पे नाइट टेक्स नाइट किया तो? नाइट टेक्स नाइट में हम नाइट से सिंपली मार देंगे पहले तो, और उसके बाद अगर मारेगा तो हम रुक इन टू डी एट करके ओपन फाइल का फायदा उठा सकते हैं, उसका बिशप वैसे भी बंद है। ओके ये गुड रहेगा। चलो नाइट टेक्स एफ सिक्स आफ्टर क्वीन डी एट रुक डी एट और ओपन फाइल हमारे हाथ में रहेगा और बिशप डी टू पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्या होता है यहाँ पे देखो ब्लैक टोटली विनिंग है। बिशप डी टू ब्लंडर है क्योंकि बिशप इनटू एफ थ्री आ रहा है और उसके बाद वो बिशप डी टू हाँ हैंगिंग बिशप मर जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूरा पूरा फायदा रहेगा एंड गेम में। मान लो कि उसने क्वीन एक्सचेंज नहीं किया और सपोज क्वीन ई टू किया, तब हमारा क्या रहेगा मूव?
उसका आइडिया है रुक डी वन का। अब हम बिशप डी सिक्स खेल के कैसल कर देंगे और उसके बाद क्वीन ई सेवन रुक डी एट का प्लान रखेंगे अपने पास। करेक्ट, यहाँ पे हम बिशप डी सिक्स आफ्टर रुक डी वन देन यू कैन डू कैसल। अभी तुरंत कोई अटैक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन काफ़ी हद तक अच्छी है और कभी भी हम बिशप टेक्स नाइट मार सकते हैं अगर कैसल ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि क्वीन को सी सेवन या फिर क्वीन ई सेवन और नेक्स्ट मूव में हम ये सब अलग अलग प्लानिंग कर सकते हैं रुक डी वन करके। तो ब्लैक की पोजिशनली बहुत ही स्ट्रांग है और दोनों के पास पैर ऑफ बिशप है, मतलब बिशप के पैर है, तो गेम खेलने में काफ़ी मजा आएगा। ज़्यादातर ब्लैक की गेम डी फोर ओपनिंग में ज़्यादातर दबी हुई रहती है, लेकिन मैं जो आपको एक्सेप्टेड वाली लाइन बताता हूँ उसमें आपकी गेम टोटली खुल के आप खेल सकते हो। पूरी सीरीज देख लीजिए दोस्तों, ये 1, 2, 3 ये फोर्थ वीडियो है, इसके बाद और भी बहुत सारे वीडियो बनाने हैं क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में। और उसके बाद हम पोले सिस्टम के सामने कैसे खेला जाए, लंदन के सामने कैसे खेला जाए, सारे वेरिएशन में आपको बताऊंगा ताकि डी फोर के सामने आपको खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो शिवांश मजा आया जब आप ज्वाइन हो गए हमारे साथ, और ऐसे हम अगली बार शिवांश को लेके कोई पजल वगैरह अलग अलग कुछ प्लानिंग भी हम कर रहे हैं ताकि आपको और भी बढ़िया से वीडियो मिले और ज़्यादा कुछ सीखने को मिले। तो जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।